हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन एकेडमी टॉपर चैनल। दिस इज योर फेवरेट डी स्क्वायर। कैसे आप सब बच्चों? हाउ आर यू किड्स? कैसे बच्चा पार्टी? यस अरे यार हाँ जी, इको फ्रेंडली। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो दिस। बच्चे चाहिए ना? चलो बच्चे, अब ला के दिखाती हूँ मैं तुम्हें। यस, मैं सोची थी कि आराम आराम से यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी। मुझे इतना कोई अभी उत्सुकता नहीं थी कि मैं बच्चे बटोरू, व्यूज बनाने के लिए अलग अलग तरह के वीडियोस बनाऊं, बट कोई नहीं। तो मैं इको फ्रेंडली, मेरे चार्ट सेक्शन में बच्चे चाहिए ना, डोंट वरी, बच्चे लाना मेरा काम है। कैसे लाना वो मुझे पता है, ठीक है? यस, मुझे लगता है कि यार साल भर ना आराम से एक बैच चलाना चाहिए, जैसे मैं पहले 2 साल पहले चलाती थी, ठीक है? और उसमें आराम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। माना कि सब रीलॉन्च रीलॉन्च करते हैं अपने बैचेस को, आई अग्री टू दैट, ये बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है? बट ट्रस्ट मी, मेरा जितना रिटेंशन है वो अमेजिंग है। जितने बच्चे मेरे पास शुरुआत में थे, आज भी मेरे बच्चे उतने ही आते हैं मेरे से पढ़ने के लिए। मेरी क्लास में ऐसा नहीं होता कि 10,000 पहले दिन और लास्ट लेक्चर में 1,000, ऐसा मेरे साथ नहीं होता। 1,000 है तो 1,000 ही सही, आई एम वेरी हैप्पी। बट अगर हाँ, अगर आप ये चाह रहे कि मैम बच्चे नहीं है तो वो लाने मुझे आते हैं, क्योंकि 22,000 बच्चे अपन के चैट बॉक्स में ही आए थे। अन अकेडमी की एकमात्र मैं टीचर हूँ, फीमेल टीचर, जो हाईएस्ट लाइव वॉचिंग पढ़ाई है जिसने। यस, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने मेरा हमेशा साथ दिया है। यस, तो बात वही है बच्चों की, रीलॉन्च रीलॉन्च रीलॉन्च, यार इतना होता नहीं है मुझसे बस मेरे से इतना होता नहीं है कि बार बार वो यू नो वही वही बनाते रहो, वही बनाते रहो, वही बनाते रहो, ऐसे नहीं है। आई ट्राई टू मेक गुड कॉन्टेंट फॉर यू। जैसे कि कल 12 बजे एक मैं सेशन लेने वाली हूँ, लाइव लेक्चर लूंगी, जो आपके करियर को शेप करेगा इस चैनल पे। यस, नीट के अलावा भी देखो बेटा, आपको ये चीज पता है कि 22 लाख बच्चे सारे के सारे डॉक्टर्स नहीं बन सकते, ये कड़वा सच आपको पता है, मुझे पता है, हम सबको पता है कड़वा सच, कि 1 लाख सीटों पे 22 लाख बच्चे लड़ रहे हैं, यानी हर सीट पे 22 बच्चे हैं, बट वो सीट तो एक बच्चे को मिलेगी। तो हर साल ही बाकी बच्चे जाते कहाँ हैं, इसमें से 20% बच्चे ड्रॉपर बन जाते हैं, बट फिर भी वेयर आर अदर स्टूडेंट्स, दे आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स, वो अपने करियर को शेप करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि उनके साल बर्बाद ना हो। और वो क्यों नहीं होते बर्बाद? क्योंकि दे आर वेरी स्मार्ट टू गिव द अदर एग्जाम्स। अगर बच्चों को टाइमली बता दिया जाए कि बच्चों आपका ये एग्जाम है, ये इस दिन आने वाला है, इसका फॉर्म भर दीजिए, तो मुझे लगता है हर बच्चा अपना फ्यूचर बना सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपका नीट नहीं हो पाएगा, फिर से वही बकवास में शुरू कर देना। मैं ये कह रही हूं कि समझदार होना भी उतना ही जरूरी है, रियलिटी चेक लाइफ में होना भी उतना ही जरूरी है। मान लो कि आप एक ऐसे स्टूडेंट बनते हैं, मान लीजिए अन्नू है, अनु अपने चारों एग्जाम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिलता जुलता नीट का सिलेबस आता है। तो अनु नेक्स्ट ईयर मेरे साथ एक इंटरव्यू बनाएगी, है ना, एक पॉडकास्ट बनाएगी कि हाउ अ गर्ल फ्रॉम यूट्यूब वॉज एबल टू क्लियर ऑल 4 एग्जाम्स इंक्लूडिंग नीट एग्जाम, है ना? तो बच्चों देखो, यहाँ पे ना प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। मेरी लाइफ की अप्रोच हमेशा प्रैक्टिकल रही है, और मुझे लगता है कि वही अप्रोच मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ। हर टीचर की अपनी अप्रोच होती है, कोई टीचर कहते हैं नहीं बस नीट ही नीट है, मैं कहती हूँ नीट तो है ही है, साथ में बैकअप भी है, क्योंकि बच्चों के साल बर्बाद नहीं होने चाहिए। क्योंकि बच्चा जितना साल बर्बाद करता है ना, वो डिप्रेशन में जाता है, वो एंजाइटी में जाता है, क्योंकि वो अपने साथियों को देखता है कॉलेज लाइफ में, और वो जब कॉलेज लाइफ में उन्हें देखता है और वो खुद वो जिंदगी नहीं जी पाता, तो दुनिया उसे जीने नहीं देती, दुनिया उसे मारती है ताने कि तुझसे नहीं हो पाया, देख तेरा दोस्त कहाँ है। जब वो बार बार यही बात सुनता है ना, तो उसे आती हुई चीजें भी वो छोड़ देता है। तो ये आज हमारे समाज की सच्चाई है बच्चों, यही आज हमारे समाज की सच्चाई है कि भाई हमें प्रेशराइज किया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं एक एग्जाम के बारे में जिसका नाम किया है? यस, किया सेल्टोस, नहीं कह रही, ये केरला का एग्जाम होता है, जिसे कितने सारे कोर्सेज मिलते हैं, इवन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, अगर आपकी स्कॉलरशिप मिल जाए तो आपको पता है कितनी लो फीस में भी मिल जाते हैं, बट आपको पता ही नहीं है। आपको बस ये बता रखा है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, 1 करोड़ रुपए भाई अपनी जेबों से निकालना पड़ेगा, बट इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी स्कॉलरशिप होती है, जहां पे 80% तक भी स्कॉलरशिप होती है। तो सोचिए, अगर आपको टाइमली पता होता, अगर आपने फॉर्म भरा होता, तो आप उस स्कॉलरशिप के हकदार होते ना, बट आपको किसी ने बताया ही नहीं है बात, नोबडी टोल्ड यू, बस सबने आपको बताया कि सिर्फ एम्स दिल्ली है जहां से सिर्फ डॉक्टर्स बनते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। देश में
हजारों कॉलेजेस हैं और हर जगह से डॉक्टर्स बनते हैं, हर साल बनते हैं। वो इसलिए बन रहे हैं क्यों? क्योंकि आपकी सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है। तो इसलिए बच्चों बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। कल मैं एक सेशन लूंगी जिसमें मैं सारे एग्जाम्स आपको बताने वाली हूँ जो आप पीसीबी के कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। तो कल सुबह का वो लेक्चर आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा बच्चों, क्योंकि आई एम अ टीचर नॉट जस्ट मेकिंग माई व्यूज, आई एम अ टीचर हु इज बिल्डिंग करियर्स ऑफ स्टूडेंट्स। दैट्स वाई आफ्टर 4 ईयर्स ऑल्सो आई एम ऑन यूट्यूब विद माई फेवरेट चैनल नीट टॉपर्स। ठीक है, और रही बच्चे लाने की बात, बताओ बच्चों बच्चे लाने हैं क्या? कितने बच्चे लाने हैं चलो बताओ कितने बच्चे चाहिए लाने? सब ला दूंगी मैं, मुझे पता मुझे क्या वीडियो बनानी है मैं 4 साल से यूट्यूब कर रही हूं, जब मुझे चाहिए होते हैं ना बच्चे मैं ले आती हूँ। बस तुम बताओ कितने बच्चे चाहिए नेक्स्ट क्लास में, जितने तुम बोलोगे उतने ला दूंगी। वीडियोस बनानी है बस मुझे, और मुझे पता है कैसी वीडियोस बनानी है। यस देखो बेटा ये सब ना हम पे छोड़ दो, तुम्हारा काम है सिर्फ करियर बनाना, तुम्हारा काम है फोकस रह के पढ़ना। 2000 बच्चे चाहिए चलो ठीक है, अब देखना 2-3 दिन वीडियो बना दी मैं बढ़िया बढ़िया सी, ठीक है? यस, और फिर बच्चे लेकर आते हैं। बट याद रखना कि फिर वो पहली क्लास में ही होंगे, लास्ट क्लास तक तुम ही बच्चे बैठे होंगे जितने हैं यहाँ पे, ठीक है? यस, 1 करोड़ बच्चे, ओए हो, इतने बच्चे हैं नीट में। कई बार मुझे पता है बड़ा ऐसा लगता है कि इतने बच्चे नीट में नहीं होते जितने व्यूज आ जाते हैं। मैं कहती हूँ करने क्या आए हैं, स्पेशली ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में। मैं कहती हूँ ये देखो ये इंजीनियरिंग वाले सुख लेते हुए जीवन का। यस, तो कई बार ऐसा भी होता है, बट कोई नहीं बच्चों, ये सब बातें तो बहुत छोटी हैं लाइफ की। लाइफ बहुत लंबी है, लाइफ में पेशेंस और कंटेंटमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसा भी चल रहा है मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है? इस बार देखो मैं रेगुलर पढ़ा रही हूं ना, उसका एक रीजन है कि मैंने अपने आप को खुश रखना सीख लिया है। और यही मैं आपको भी डेली बोलती हूँ, जिस दिन आपने सोच लिया ना कि ये सब चीजें मैटर नहीं करती, मैटर करता मेरा सिर्फ सिलेक्शन, आप सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, 14 लाख व्यूज है, बताओ और कितने व्यूज चाहिए? 8 दिन में 14 लाख व्यूज है उस पे व्यूज की कमी नहीं होती व्यूज की कोई कमी नहीं है। अभी एक शॉर्ट वीडियो 8 दिन हुए हैं, 14 लाख व्यूज पे चल रही है, बताओ। अभी आज रात तक वो 15 लाख भी हो जाएगी, बताओ। वही मैं कह रहा हूँ ना बच्चों, इट्स नॉट अबाउट व्यूज, इट्स अबाउट क्वालिटी एंड जनरेटिंग रिजल्ट। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ यस, मुझे रिजल्ट चाहिए आप लोगों से, और वो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, है ना? दोगे ना सब रिजल्ट? यस, बस रिजल्ट दे दो। नेक्स्ट ईयर मुझे यहाँ पे बच्चे दिखने चाहिए कि हाँ इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तब अच्छा लगेगा यार, तब बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और एक स्माइल दे दो यार, बढ़िया सी एक स्माइल दे दो मैम को। यस, स्माइल दे दो एक अच्छी सी, एक बढ़िया सी स्माइल होनी चाहिए। अब आपके मैं बनारस से आऊंगी 14th को, उसके बाद आपकी स्पेशल क्लासेस में प्रैक्टिस शुरू होगी, ठीक है? तब तक आप अच्छे से इनको पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी को अपने जहन में घोट के डाल देना, ठीक है बच्चों? यस, चले स्माइल हो गई, बस इसी का तो मुझे इंतजार रहता है अपने बच्चों की। तो आज शुरू करते हैं इकोसिस्टम। गर्मा गोयल बायोलॉजी मेरा टेलीग्राम है, ठीक है? दिस इज माय टेलीग्राम, जहां पे बच्चों आपको होमवर्क क्वेश्चंस मिल जाएंगे, होमवर्क क्वेश्चंस। तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको होमवर्क क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, फ्रीडम फेस्टिवल चल रहा है, अनअकैडमी आपके लिए 20% ऑफ लेकर आया, प्लस और स्टोर सब्सक्रिप्शन पे आप जी स्क्वायर कोड यूज कर सकते हैं, August 12 तक है। ट्रस्ट में बच्चों, जी स्क्वायर कोड यूज करने के बाद आपको व्हाट्सएप मेंटरशिप मिलती है, सारी डीपीपीज मिलती है, और मेरा सिलेबस बहुत स्पीड से चल रहा है। 31 दिसंबर यूट्यूब एंड प्लस मैं सिलेबस खत्म कर दूंगी, ठीक है? यस, उसके बाद रिवीजन के लिए पूरी दुनिया को आना इधर ही है, ठीक है? पूरी दुनिया रिवीजन के लिए इधर ही आएगी, क्योंकि वन शॉट आप सर्च करो, वन शॉट में अपन से पॉपुलर 2-4 टीचर्स हैं, ठीक है? वो जेनुअनली वो भी बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, तो आएंगे रिविजन के लिए, इधर ही आएंगे, डोंट वरी। ये हमारे कुछ बैचेस है बच्चों, जो दोनों बैचेस आपको दिख रहे हैं, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? यस, चलिए आइए। तो कल की क्लास कैसी लगी थी भाई? नोट्स देख रहे हो? जबरदस्त, कैसे नोट्स है? जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त नोट्स है, नोट्स नहीं नोट्स।
अब एक बच्चे ने मुझे बोल दिया कि मैम बच्चे लाने हैं, अब तुम देखो, ईगो पे लग गई ये बात, अब लग गई। यस, ऐसे ही ना फेब्रुअरी की बात है बेटा, मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ अपना। फेब्रुअरी में ना हम टीचर्स के बीच में भी ना लोग बहुत कंपटीशन कराते हैं और वो बच्चे होते हैं। तो एक ने ना मुझे बोल दिया था कि ना बच्चे कम आ रहे हैं, ईगो पे हर्ट हो गई। उसके एक हफ्ते बाद एक सेशन में 22,000 वॉचे, दूसरे सेशन में 15,000 वॉचे, ठीक है, और छोटे छोटे सेशन में 7-7,000 वॉचे। यस, तो वही बात है, हर्ट हो गया अब तो ईगो। अब देखो नी टॉपर्स की कैसे मैं दिशा बदलती हूँ इस चैनल की। अपन आराम से जोन में चल रहे थे अपनी लाइफ में कि कोई नहीं यार, लाइफ इतनी प्यारी तो चल रही है, बट अब मैं हर्ट हो गई, अब कल से देखो, ठीक है। यस, अब तुम कल से देखो बस, अब तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, अब कल से देखना नी टॉपर्स की दिशा बदलते हुए मैम। चला दो, तो आज जो हमें प्रोसेस करनी है, हमने फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम के थे, 4 फंक्शन हमने कल की क्लास में किए थे। वो कौन कौन से फंक्शन थे, 4 जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में। पहला फंक्शन क्या था, प्रोडक्टिविटी, कितना पैसा बना के देगा तू अगर मैं तुझे 10 रुपया दूंगी तो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। उसके बाद क्या था सेकेंड फंक्शन, यस एवरीवन, डीकॉम्पोजिशन, जो आज हमें आज की क्लास में हमें करना है, ठीक है। यस, चलिए आइए, तो आज का सेकेंड फंक्शन हम स्टार्ट करते हुए इकोसिस्टम के फंक्शंस का, एंड द टॉपिक नेम इज डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन नाम से पता लग रहा है, जो कॉम्पोजिशन की चीज को तोड़ के काट के फेंक दे उसे हम कहते हैं डीकॉम्पोजिशन, ठीक है। ये जो डीकॉम्पोजिशन की क्रिया है, ये एरोबिक है एनारोबिक है, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, एरोबिक है एनारोबिक है कैसे, क्योंकि यहां से सबसे पहला क्वेश्चन आएगा। यस, एरोबिक है एनारोबिक, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कम ऑन गाइस, कम ऑन एवरीवन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ, एनसीईआरटी। मुझे आज भी याद है कि मैंने एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में गलत बता दिया था, तो उसके बाद जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रही थी उसमें फिर मैंने ठीक किया था, तो वो गलती आज तक याद है, 2.5 साल हो गए हैं। इट इज एनएरोबिक प्रोसेस। सो सबसे पहली चीज आज के क्लास में हम याद करते हो कि डीकॉम्पोजिशन की जो क्रिया है ये एक तरह की एनएरोबिक प्रोसेस है, विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ एनएरोबिक प्रोसेस, ये एक तरह की एनएरोबिक प्रोसेस है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, आखिर ये प्रोसेस है क्या भाई, ये डीकॉम्पोजिशन क्या प्रोसेस है। इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, सो दैट उसका इनऑर्गेनिक एलिमेंट हम निकाल सके, ठीक है बच्चों। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो धातु को तोड़ के उसके भिन्न भिन्न चीजों को निकाल देगी, अलग अलग कर देगी, हर एक पुर्जा अलग कर देगी। जैसे मान लो कि दिनेश के पास गाड़ी आई है, ठीक है, उस गाड़ी का नाम क्या है, लेम्बरगिनी, ठीक है बच्चों। अब वो कह रहे कि यार ये गाड़ी बनती कैसे है, अगर मैं इसको बना लूं तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे एक एक पार्ट को निकालता जा रहा है, निकालता जा रहा है, और उसको समझता जा रहा है, जिसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। तो वो निकाल निकाल के चीजों को समझ रहा है ना। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीकॉम्पोजिशन। फिर वो कह रहे कि हे भगवान, ये तो हमसे ना बन पाएगी। अब उसके पास ना गाड़ी बची, ना उसके पास इंजीनियरिंग बची, और उसके पास बचे तो क्या, एक गम और तन्हाई, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इट इन्वॉल्व व्हाट, ब्रेक डाउन ऑफ डिकम्पोजिशन, या ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ठीक है, ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन। अब इसके कुछ स्टेप्स है, ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स है जो हमें समझने हैं। फिर लंदन चली, ठीक है, फिर लंदन चली, हम तो एक बार नहीं गए, ये फिर लंदन चली, व्हाट इज द ट्रिक टू रिमेम्बर, फिर लंदन चली। तो एफ से याद रखना है फ्रैगमेंटेशन, एफ से क्या याद रखना है बच्चों, फ्रैगमेंटेशन।
नाउ फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है? बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास होता है क्या? डेट्रीवोर्स। क्या होता है हमारे पास? ये काम करने के लिए होते हैं डेट्रीवोर्स। ये जो डेट्रीवोर्स है ये इनवर्टिब्रेट्स है, ये ऑर्गेनिजम्स है, ये इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स है, और ये जो काम मुकम्मल कर रहे हैं, ठीक है, ये जो काम मुकम्मल कर रहे हैं वो दो तरह के जीव जंतु होते हैं। एक कौन से होते हैं बच्चों? एक कौन से होते हैं? अर्थ वर्म, विच इज कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड। तो पहला कौन सा हमारा? अर्थ वर्म। और दूसरा हमारे कौन से? टर्माइट्स, दीमक, जो दीमक की तरह आपकी जिंदगी को खोखला कर देते हैं। तो वी हैव दूसरे वाले एज टर्माइट्स, ठीक है। सो वी हैव अर्थ वर्म एंड टर्माइट्स, दीज आर कंसिडर्ड एज डेट्रीवोर्स। अब ये डेट्रीवोर्स किस पे काम करते हैं? ये काम करते हैं डेट्रिटस पे। किस पे काम कर रहे हैं बच्चों? ये काम कर रहे हैं डेट्रिटस, ठीक है। ये डेट्रिटस क्या होता है? ये एक बड़ा टुकड़ा होता है, जैसे कि खूब सारा, जैसे कि मान लीजिए कोई पॉटी करके चला गया, ठीक है, खेत में वाटर लेके गए थे, ठीक है, यस, वहां पे कोई करके चला गया, दो नंबर, दो नंबर, ठीक। अब क्या हुआ? अर्थवर्म आएगा, अर्थवर्म क्या करेगा? उस बड़े टुकड़े को छोटे में तोड़ देगा। उसके आगे ना एक ऐसे ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पेरिस्टोमियम। अब वो ऐसे 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 बार बार मारता रहेगा, तो क्या है, जो बड़ा था वो टूट जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में। बस यही तो होता है डेट्रिवोर का काम, टू प्रोड्यूस डेट्रिटस, यस, ठीक है। तो ये बड़े फ्रैगमेंट्स को स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, बड़े फ्रैगमेंट्स को स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, यस, बस हो गया, दैट्स ओनली थिंग। अब क्या होता है, जब वो ऐसे तोड़ रहे होते हैं तो कुछ अमाउंट उनके मुंह में अंदर चला जाता है। अब कुछ कुछ अमाउंट मुंह के अंदर जाएगा, ठीक है, यस, तो पेट के अंदर घुल जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम उस पे काम करेंगे, तो वो और सोल्युबलाइज फॉर्म में निकलेगा, जिसे हम फीकल पैलेट्स कहते हैं, वर्म कास्टिंग, जैसे हम पता लगा लेते कि भाई अर्थ वर्म यहाँ पे रहते हैं, केचुए यहाँ पे रहते हैं। तो दो तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, एक क्या कर रहा है, एक तो बड़े फ्रैगमेंट्स को छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ रहा है, ठीक है, ब्रेकिंग लार्जर फ्रैगमेंट्स इंटू लार्जर सबस्टांसेस इंटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, इंटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, इसमें तोड़ रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज ये क्या कर रहा है कि जो भी खाना है वो स्टमक से निकलता हुआ उसे क्या कर रहा है? सोल्यूबलाइज कर रहा है, ठीक है, डेट्रिटस सोल्यूबलाइज्ड ड्यू टू एंजाइम्स ऑफ स्टमक। तो दीज टू थिंग्स इन्वॉल्व इन फ्रेगमेंटेशन। क्या पहला स्टेप सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। यस मैम, नाश्ता कर रही थी मैं। क्या खा रही थी इस टाइम पे? चाय, ब्रेड, चाय ब्रेड खा रही थी या मट्ठी खा रही थी, क्या खा रही थी बता? अब तो खा नहीं पाएगी, चल कोई नहीं। अब फ्रेगमेंटेशन तो हो गया, अब आते लीचिंग। व्हाट इज इट? द सेकेंड स्टेप ऑफ डीकम्पोजिशन इज लीचिंग। अब लीचिंग क्या होता है, चलिए आइए ये समझाती हूँ। देखो बेटा, आपने पानी डाला, पानी के अंदर वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स थे। कौन से सॉल्ट्स थे? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, कौन से सॉल्ट्स है? वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है, कौन से सॉल्ट्स है? वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स है। ये जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स है ये पानी के साथ माटी के नीचे चले जाएंगे। ये देखिए माटी है, माटी समझ रहे हैं ना, मिट्टी, और यहां पे है घास, ये देखिए, ठीक है। अब आपने यहां पे पानी डाल दिया, अब जब आपने पानी डाला तो उसमें वाटर सॉल्युबल सॉल्ट थे। अब ये सॉल्ट मिट्टी और पानी से नीचे की ओर जाते हुए, ये देखिए सॉल्ट सारे नीचे की ओर जाते हुए, से दे परकुलेट विद वाटर इनसाइड द सॉइल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है बच्चों,
अब ये जब नीचे की तरफ जागे ये कहता है अब हमको ऊपर नहीं जाना, अब हमको बहुत आराम है। तो दे प्रेसिपिटेट एज अनअवेलेबल सॉल्ट, यानी कि जो सॉल्ट आपने डाला उस मिट्टी ने अपने आप को जकड़ लिया, ऐसे जकड़ लिया मिट्टी ने, कहते कि अब मैं नहीं जाने दूंगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग। ठीक है, तो जो भी हम मिनरल्स डाल रहे हैं वो सारे के सारे मिट्टी में रह जाएंगे और धीरे धीरे पेड़ जो है उस मिट्टी से निकालेगा अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये एक प्रोसेस है सारे मिनरल को पकड़ने का, किसमें? सॉइल में। तभी सॉइल का रेप्लेनिशमेंट होगा, तभी सॉइल विल बिकम एनरिच्ड विद मिनरल्स। ठीक है बच्चों, तो अगर मान लो कि ये लीचिंग नहीं होती तो भाई सॉल्ट आया और सॉल्ट निकल गया, फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? तो उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, पकड़ेंगे तभी तो पेड़ को देंगे बच्चों। ठीक है, मान लो कि देखो हमारे पास कौन है, मृणाल है। मृणाल पैसे कमा के लाया 1,000 रुपए, और 1,000 रुपए उसने अपनी डेट नाइट पे खर्च कर दिए, उसके पास क्या बचे? अब अगली डेट पे वो क्या करेगा? इसको कुछ पैसे बचाने चाहिए थे ना, क्योंकि दीदी तो अगली बार भी अगले दिन भी कहेगी कि मुझे शौकी एंड शानी की प्रेम कहानी दिखा दे, है ना बेटा? तो कुछ पैसे बचाने पड़ेंगे भाई, बताना पड़ेगा कि इतने पैसे नहीं है, वरना अगली डेट पे क्या करेंगे, है ना बच्चों? तो इसलिए ये काम सॉइल भी करती है। सो वी हैव वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फ्रैगमेंट। ठीक है, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट इन फ्रैगमेंट्स। ठीक है, यस, नाउ दे गो डाउन डीप इनटू सॉइल होराइजन। ठीक है, एंड नाउ दे आर अनअवेलेबल, दे प्रेसिपिटेट एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। ठीक है बच्चों, ये भी समझ में आ गया स्टेप, सबको समझ में आया? ये स्टेप कई बार ना बच्चों को समझ नहीं आता है, इसलिए मैंने डायग्राम की फॉर्म में आपको अच्छे से समझाया। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ये फिर गया, आ रहा है जा रहा है, इंटरनेट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, अपनी मर्जी से काम कर रहा है। अभी आ गया है, देखो तो आ गया शायद। अब रुको बच्चों, लेट मी कनेक्ट माय आईपैड। क्या कर रहा है ये? अच्छा, इसने दूसरे वाला इंटरनेट ले लिया है। ओए होए, तुम तो आ गए गधेड़ो, मेरा आईपैड नहीं कनेक्ट हो रहा अब। रुको, सब रुकेंगे 2 मिनट, फिर लैग हो रहा है क्या? रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश। हाँ रिफ्रेश करो, रिफ्रेश। ठीक है, चलो अब फाइनली जाके हुआ है, अब जाके सही हुआ है, अब जाके सही हुआ है भाई क्लास, अब जाके नॉर्मल हुई है। दूसरा इंटरनेट कनेक्ट किया फटाफट से, पूरा ब्लैक हो गया, ये वाला इंटरनेट तो हाई स्पीड वाला मेरा उड़ गया आज, आज तो उड़ गया वो। यस, कितना टाइम वेस्ट हुआ है यार, आज तो 26 मिनट की क्लास हो गई, 10 मिनट वेस्ट। चलो भाई, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा? कैटाबॉलिज्म। कैटा का मतलब होता है काटना, यानी कि हम यहाँ पे किसी चीज को तोड़ने वाले हैं। ठीक है, यस। सिंदूर क्यों नहीं लगाते हो? क्या बात है भाई राजेश, हैं? तू एंश्योर कर रही हो तेरी पत्नी 2 किलो सिंदूर लगाए, औरों की तो टेंशन मत ले। ठीक है, आया बड़ा। चलो भाई, कैटाबॉलिज्म पे आते हैं। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब है बेसिकली ब्रेकडाउन।
ठीक है। और यहां पे हम यूज कर रहे हैं सैप्रोफिटिक, कौन यूज कर रहे हैं? सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड फंजी, यूज कर रहे हैं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड फंजी, ये हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड फंजी है, ये क्या सिक्रीट करे बच्चों? एंजाइम्स। क्या सिक्रीट करे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये एक्ट करेंगे किस पर? ये एक्ट करेंगे हमारे डेट्रिटस पे, फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ये करेंगे, ठीक है बच्चों। सिंस ये चीजों को खुद से तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए नेचुरल स्कैवेंजर्स भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। यस भाई, राजेश की बीवी जो होने वाली है फ्यूचर में, अगर हुई तो, अगर इसकी ये दकियोनसी बातें चलती रही तो उसकी बीवी नहीं होगी, अगर हो भी गई, मान लो इतनी वो नसीब वाली हुई, अगर उसकी बीवी हो भी गई तो मैं बता दूं कि राजेश की बीवी मंगलसूत्र भी पहनेगी, 10 चूड़ियां भी पहनेगी, सिंदूर भी लगाएगी 2 किलो वाला। यस हाँ, क्योंकि राजेश को ऑब्सेशन है सिंदूर से। ठीक है, बेचारे को ऑब्सेशन है सिंदूर से। चलो, ऑल द बेस्ट टू राजेश की होने वाली बीवी। अब आते हैं कैटाबॉलिज्म पे, कि सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड फंजी है जिन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट किया जो फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे हमारे ऑर्गेनिक मैटर को। अब इसमें भी 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला हमारा ह्यूमिफिकेशन, पहला कौन सा बच्चों? ह्यूमिफिकेशन। आपने कभी देखे बेटा, जब भी आपका पीटी का पीरियड होता था स्कूल में, उसी दिन माली भैया वहां पे खाद डाल देते थे, जो वो खाद आपको काले काले रंग की दिखती थी ना, उसी को हम ह्यूमस कहते हैं, हमस कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, जो भी आपका हो, ठीक है। ये जो ह्यूमस है, ये क्या है? ये डार्क कलर्ड एमोफस पट्टी जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अरे वो नेचुरल स्कैवेंजर लिखाना भूल गई ना मैं, ऐसे ऐसे तो तुम बातें करते हो। दे आर कॉल्ड एस नेचुरल स्कैवेंजर्स, अभी मिस हो जाता मेरा इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो ह्यूमस है, क्या है बच्चों? ये डार्क कलर्ड एमोफस सब्सटेंस है, डार्क कलर्ड है, एमोर्फस है, और रिच इन सेलुलोज है, रिच इन टैनिन्स है, रिच इन रेजिन्स है, रिच इन लिग्निन है। तो अब मुझे इसका कॉम्पोजिशन देखकर बताओ कि इसका जो डिकॉम्पोजिशन है वो फास्ट होगा या स्लो होगा, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, इसका जो डिकॉम्पोजिशन है वो फास्ट होगा या स्लो होगा? कम ऑन बच्चों, फास्ट या स्लो? इसमें सेलुलोज है, टैनिन है, रेजिन है, लिग्निन है, तो इसका डिकॉम्पोजिशन क्या होगा? स्लो, स्लो डिकॉम्पोजिशन। इसलिए सिंस ये स्लो डिकॉम्पोजिशन है, धीरे धीरे जो खाद है विद टाइम मिलती है मिट्टी के अंदर, ठीक है, इसलिए इसे रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी इसे कहते हैं, रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है बच्चों। समझ में लगा या नहीं लगा सब बताएंगे मैम को चैट बॉक्स में। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ह्यूमिफिकेशन के बाद आ रहे हैं मिनरलाइजेशन पे, मिनरलाइजेशन। अब मिनरलाइजेशन एक अनदर स्टेप है टू रिलीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर या हमस से, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और हमस, ये हो गया सारा स्टेप। भाई समझ में आया डिकम्पोजिशन का प्रोसेस? सब जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में, इज इट क्लियर एवरीवन? अब हम आएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, जहां से नीट का PYQ बनता हुआ बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। आइए सबसे पहला फैक्टर करते हुए आप और मैं, कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस। भाई देखो,
अगर जो डेट्रिटस है उसके अंदर सेलुलोस, टैनिन, रेजिन्स, लिग्निन ज्यादा है तो स्लो डिकम्पोजिशन होगा। अगर वो नाइट्रोजन रिच है तो उसका डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? देख कुसुमप्रीत, ये हाथ है, इसमें खड्डी है और ये सारा आप देख रहे हैं, मास इज ऑल ऑर्गेनिक मैटर, ये सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर बेटा। देख ये देख, मेरे में ज्यादा है तेरे में कम हो सकता है, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन, टैनिन, ठीक है, अगर इसमें रिच है तो प्रोसेस क्या होगा? स्लो होगा, क्योंकि लिग्निन को तोड़ने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ठीक है, यस, स्लो। मास काफी ज्यादा होगा। अगर डेट्रिटस इज रिच इन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, नाइट्रोजिनस कंपाउंड ज्यादा है तो हमारा जो डीकॉम्पोजिशन का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बोल रहे हो तुम लोग, बहुत बोल रहे हो तुम आज लोग। ठीक है, हाँ काइटिन भी लिख लो यहाँ पे, कोई नहीं छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन के बाद क्या है? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर यानी तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो फास्टेस्ट डिकम्पोजिशन होगा, सबसे तेज डिकम्पोजिशन। अगर टेम्परेचर कम है यानी कि ठंड है, ठंड में कोई काम नहीं करना चाहता, ठीक है, यस, तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर लो है तो क्या होगा? स्लो डिकम्पोजिशन, स्लो। ठीक है बच्चों, और अगर थोड़ा इसे हाई करेंगे तो फास्ट होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारी ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर। अगर वातावरण में मॉइस्चर ज्यादा है, सांस भारी हो जाती है इस टाइम पे, है ना, मॉइस्चर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? मॉइस्चर अगर ज्यादा है, मोर है, तो डीकॉम्पोजिशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा? फास्ट। अगर ड्राई है, ठीक है, लेस है ह्यूमिडिटी, तो स्लो हो जाएगा, क्योंकि हल्का सा गीला होगा, है ना, हल्का सा वार्म होगा, तो सारे के सारे बैक्टीरिया आएंगे और फटाफट से काम करते रहेंगे। ठीक है, यस। अरे यार ये ऑर्गेनिक एरोबिक है क्या? ये मेरे को ना एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज से पंगा है इसका। एरोबिक लिखो इसको, फिर से अब याद करना पड़ेगा गलती से। हमेशा पंगा होता है, 2.5 साल से पंगा चल रहा है, मुझे लगा कि मुझे अब याद हो गया, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। थैंक यू बेटा निमिषा, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट इन दिस। ठीक है, यस। फिर आते हैं नेक्स्ट, एरेशन। एरेशन मीन्स कितना हवादार है। अगर हवा ज्यादा होगी तो डिकॉम्पोजिशन का प्रोसेस फास्ट होगा, अगर हवादार कम है, लेस है, तो क्या होगा हमारा? स्लो होगा। क्या होगा हमारा? स्लो। ठीक है बच्चों, ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकॉम्पोजिशन। समझ में आ गया सबको ये वाला टॉपिक बच्चों? डिकॉम्पोजिशन को करें फिनिश, रखें इसको आप साइड में। मैम मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था। हो गया क्या? हो गया, कोई नहीं, अपनी क्लास है, घर की बात है, क्या हो गया इसमें? है तो मेरे घर के ही तो सारे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दिस इज अ थर्ड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज आर एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी फ्लो क्या है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि एनर्जी है क्या। यस, ये एनर्जी है क्या? ठीक है, यस, चलिए आइए। तो एनर्जी फ्लो क्या है? सबसे पहले तो समझो कि एक ही सोर्स है लाइट का, दैट इज आर सन। सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। यहां पे 100%
सोलर रेडिएशन की बात कर रही हूं मैं, ठीक है? किसकी बात कर रही हूं? सोलर रेडिएशन, जो कि धरती की ओर आती हुई ऐसे, ये हमारी धरती, ये धरती की ओर आती हुई, इसमें से लेस देन 50%, लेस देन 50%, ठीक है, क्या है हमारी पार? लेस देन 50% क्या है हमारी पार? पार क्या होता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. क्या होती है? फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. वहीं पे मोर देन 50%, मोर देन 50%, ये जो सोलर रेडिएशन है ये कुछ डस्ट में बह जाती है, बेचारी, बहने दे मुझे, बहने दे, कुछ क्लाउड से स्कैटर्ड हो जाती है, इधर उधर हो जाती है यार, कुछ वाटर वेपर बना देगी, ठीक है? तो ये अलग काम करेगी. अब इस 50% में से जो एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होती है वो केवल और केवल 1 से 5% होती है, ठीक है? सो आउट ऑफ 50% द रेडिएशन, द सोलर रेडिएशन यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यूज फॉर फोटोसिंथेसिस इज जस्ट 1 to 5%. सिर्फ 1 से 5% ही हम कैप्चर करके इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ठीक है बच्चों? यस, चलो 2 to 10 लिख लो. वैसे यहाँ पे 1 to 5 लिखा हुआ है. एनसीईआरटी ने 2 to 10 लिखा है ना, है बच्चों? एनसीईआरटी ने 2 to 10 लिखा है, ठीक है? तो हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे. 2 to 10%, हमारी एक बुक है कैम्बल, उसमें 1 to 5 लिखा हुआ है, बट कोई नहीं, हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट. 2 to 10% कैप्चर हो. अब इसमें से भी कैप्चर हुई, फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनी. अब इसमें से भी रेस्पिरेशन लॉस होगा, और जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे अवेलेबल होगा वो होगा एनपीपी. तो आप देख रहे बेटा, घटते 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 क्या ही रह गया? बस इतनी सी एनर्जी हमें चाहिए, इतनी सी लाइट से पूरा हमारा सृष्टि, जो हमारा पूरा अर्थ है, वो सरवाइव कर रहा है. तो आप सोचिए, हम तो सन का पूरा इस्तेमाल कर भी नहीं पा रहे हैं, हम तो उसकी एनर्जी को ट्रैप करने के लायक तक नहीं है. हम इतना, इतनी सी, सिर्फ उसके 2 से 10% से हमारा काम चल जा रहा है. तो सोचिए उसके पास कितनी एनर्जी है, सोचो कितनी एनर्जी होगी उसके पास, है ना मेरे बच्चों? बहुत एनर्जी होती है. चले, तो ये हो गया एनर्जी फ्लो. अब सोर्स ऑफ एनर्जी तो हमको बताया सर. बेटा ये सारे फैक्ट्स ना मैंने एनसीईआरटी के पैराग्राफ के इस तरीके से लिख दिए, तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वही फील होगा जो हमने लिखा है. अब यहाँ पे एक और चीज, कि जो डीप सी या डीप ओशन एरिया है, वहां पे सन डज नॉट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो जो हमारे डीप ओशन हैं वहां पे सन डज नॉट एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है बच्चों? फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट. जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है? जल्दी से बताइए बच्चों. सो द फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल, हमेशा एक ही दिशा में ये चलेगा, कभी ये दो दिशा में नहीं चल सकता, ठीक है बच्चों? अब इसी में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, फूड चेन. अब फूड चेन क्या होती है, ठीक है? फूड चेन बचपन में सबने पढ़ा है, ठीक है? फूड चेन में क्या था? पहले डियर को, डियर जो है पेड़ को खाएगा, डियर को लायन खा लेगा, दिस इज आवर फूड चेन. तो ऐसे ही हमारे 3 तरह की फूड चेन होती है. कितने तरह की फूड चेन है बच्चों? 3 तरह की फूड चेन्स होती है. पहली जो फूड चेन है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग फूड चेन. पहली कौन सी हमारी? ग्रेजिंग फूड चेन. दूसरी है हमारी डेट्रिटस फूड चेन. दूसरी कौन सी हमारी? डेट्रिटस फूड चेन. और तीसरी हमारी पैरासिटिक फूड चेन. यस मेरे बच्चों, तीसरी कौन सी है? पैरासिटिक फूड चेन. तो ये हमारे पास 3 तरह की
फूड चेन्स जो हमको इस बार पढ़नी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ग्रेजिंग फूड चेन। चलिए फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं, जीएफसी। अब जीएफसी क्या है, ये भी दो सिस्टम में है, दो सिस्टम में हमें पढ़नी है, एक एक्वेटिक एक ग्रासलैंड वाले। तो चलिए आइए एनसीईआरटी का डायग्राम बनाते हैं बच्चों, आ जाओ। तो यहां पे लिखते हैं प्रोड्यूसर, ये है हमारे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को खाते हैं हमारे हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स। कौन आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर इसके बाद कौन से आएंगे हमारे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसके बाद कौन से आएंगे बच्चों, हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स। अब इनका दूसरा नाम भी लिख लेते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कार्निवोर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट, यस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट, सेकेंडरी कार्निवोर्स। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे बच्चों, अब इसके एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी ने दिए, चलो भाई फटाफट से एग्जाम्पल बताएंगे। कौन है प्रोड्यूसर्स, हमारे प्लांट्स, फाइटोप्लांक्टन्स हमारी ग्रासेस, प्लांट्स एंड फाइटोप्लांक्टन्स इन एक्वेटिक सिस्टम। फिर इसके बाद कौन सा बच्चों, जो इसको खाएंगे, तो एक्वेटिक सिस्टम में जो इसको खाएगा उसका नाम है जू प्लांक्टन। अब प्लांट्स को जो खाएगा उसका नाम क्या है, मान लो ग्रास होपर, मान लो काउ, मान लो डियर, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट प्राइमरी कार्निवोर, तो इस ग्रास होपर को खा सकती है हमारी बर्ड, कौन खा सकती है, बर्ड। और जू प्लांक्टन्स को कौन खा सकती है, स्मॉल फिशेस। और बर्ड्स को कौन खाएगी, मैन खा सकता है, लायन लिख लो, वहीं पे इसको कौन खाएगी, लार्ज फिशेस। तो ये हो गई हमारी ग्रेजिंग फूड चेन। समझ में आया बेटा, ये तो देखो बहुत ही बच्चों वाला टॉपिक है, वेरी बच्चा वाला टॉपिक। यस मैम, ये लेक्चर सिक्स क्लास के लिए है सच में। हाँ बेटा हाँ, सिक्स क्या, दूसरे वाले बच्चे को पढ़ा दे, मैं अभी धोनी को लेकर आती हूँ, मैं उसको भी पढ़ा देती हूँ। यस हाँ मैम, आपका वेट कितना है, जितना तेरे पूरे घर का है, ठीक है। यस ओके बेटा, तुम्हें क्या लगता है, आई एम नॉट अ स्वीट लिटिल टीचर बेटा, यू आर इन द रॉन्ग क्लास, यू आर इन अ वेरी रॉन्ग क्लास। I'm not that sweet little teacher who is always trying to impress bachcha party. No. No, no, no. You are mistaken. I'm not that teacher. Yes. Galat jagah aaye ho tum. Chaliye aaiye. Detritus food chain ka example likhte hain. Detritus food chain. यहाँ के चैट बॉक्स में आप कुछ भी लिख देंगे और आप सोचेंगे कि हम सह लेंगे तो आप बहुत ही गलत है। Yes. देखिए हमारे बच्चे कितना हंस रहे हैं, कम से कम इनका खून तो बढ़ रहा है, कम से कम खुश तो है, एटलीस्ट मैं क्लास में आके खुश तो रहते हैं, पूरा दिन इंतजार तो करते हैं कि चलो फन भी मिलेगा, कॉमेडी भी मिलेगी और इकोलॉजी भी हो जाएगी, क्योंकि इकोलॉजी इतना बोरिंग है कि इसको फन वे में पढ़ाना ही पड़ता है, वरना कोई बच्चा इकोलॉजी पढ़ के राजी नहीं है। ये चैलेंज होता है एक टीचर का कि वो अपनी क्लास को कितना एंगेज करे। सच बता रहे हो बच्चों, इकोलॉजी पढ़ाना सबके पास की बात नहीं है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, हंसी मजाक करना पड़ेगा, वरना बच्चा टिकेगा ही नहीं, वो कहेगा अबे यार बहुत बोरिंग है ये तो। हमारे साथ भी होता है। यस यस ठीक है, चलो आ जाओ। तो आते हैं यहाँ पे डेट्रिटस फूड चेन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ डेड थिंग, दैट इज डेट्रिटस। सो डेट्रिटस से स्टार्ट हो रहा है और डेट्रिटस एक डेड चीज है, सो दिस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम अ डेड थिंग, ठीक है। यस चलो देखो, प्रांशुल में तो माता आती है, वो लोगों को देखकर उसका वेट बता देता है, बेटा प्रांशुल कितने नंबर आएंगे तेरे नीट में। तो लगाता होगा ना वो ऐसे, अच्छा आपके साथ ये होने वाला है। तो प्रांशुल में तो आती है माता, ठीक है, वो देखकर बता देता है किसका कितना वेट है, ठीक है, किसके कितने नीट में नंबर आएंगे। तो बच्चों तुम एग्जाम देने से पहले अपनी नीट के नंबर पूछ के जाना प्रांशुल से,
वो एक्सपर्ट लग रहा है मुझे इस बिजनेस में। यस, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि प्रांजुल बाबा के फॉर्म में भी मिल जाए। यस, प्राण बाबा, कुछ सालों बाद ये डॉक्टर बने हैं ना, उन्हें प्राण बाबा के नाम से बड़े फेमस होने वाले हैं ये। यस, देखो बेटा सबका अपना अपना स्टाइल है फेमस होने का। आई थिंक अगर आपके पास कुछ इस तरह की पावर्स हैं, देन यू मस्ट यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, है ना बच्चों? तो डेट्रिटस को तोड़ने वाला कौन था? अर्थवर्म, अभी पढ़ के आए। और अर्थवर्म को खाने वाली कौन है? चिड़िया। और चिड़िया को खाने वाला है बड़ा चिड़ा जिसका नाम है फैलकॉन, बड़ा चिड़ा। ठीक है, यस बिल्कुल। आजकल बेटा बिजनेस ओपी लेवल का चल रहा है ये। देखो फेम भी मिलता है, फॉलोअर्स तो है ही, और मजेदार लाइफ भी है। यस, और अगर आपके पास ऐसी कोई ताकतें हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। यस, चलो आ जाओ बच्चों। पैरासिटिक फूड चेन, यानी वो फूड चेन है जिसमें हम पैरासाइट की बात करेंगे। अरे प्रांजल भाई दिल पे मत लियो, मजाक कर रही हूँ बस। ठीक है, यस मजाक कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एग्जांपल। जैसे कि मान लो एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर बहुत सारी बर्ड्स है। अब बर्ड्स के ऊपर चिपकी हुई है क्या? जुए, लाइस एंड बग्स। तो ये जो लाइस एंड बग्स हैं, दे आर पैरासाइट्स। दे आर व्हाट? दे आर पैरासाइट्स। ठीक है बच्चों, तो एग्जांपल्स क्लियर हो गए। अब यहां पे एक मास्टर लाइन है कि जीएफसी, ग्रेजिंग फूड चेन, इज मेजर कॉन्ड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, ये हो गया सारा। अब आते हैं फूड वेब के पास। चलो आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का फूड वेब। नालायको, हाँ मेरे लाइव लेक्चर को देखना मत, मेरे पुराने लेक्चर देख देख के खुश होते रहते हैं। यस, फूड वेब पे आ रहे हैं हम। ठीक है, फूड वेब क्या है? अब देख लो, एक चिड़िया कहती है, नहीं यार मेरे को आज अर्थवर्म पसंद नहीं है, मैं आज कोई और केंचुआ खाऊंगी। तो हो गया ना काम तमाम, फूड चेन तो खराब हो गई। अकॉर्डिंग टू फूड चेन, चिड़िया को अर्थवर्म खाना था, बट अब वो कहती है कि मेरे को मजा नहीं आया, मैं खाऊंगी ग्रास होकर। तो दूसरी वाली फूड चेन में घुस गई ना। फूड वेब इज बेसिकली इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को हम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज फूड वेब। ठीक है, सो दिस रेफर्स टू इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इन एन इको सिस्टम। ये ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है। ऐसे थोड़ी एक बंदा एक ही चीज खाएगा, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ भी खा सकता है ना? यस, तो ये है। अब बच्चों हमें करना है 10% लॉ और हमें करने लॉजिकल पिरामिड्स। बेटा आज मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा, कल ये चैप्टर मैं पक्का खत्म कर दूंगी। आज मुझे थोड़ा सा काम है आज घर पे। ठीक है, तो आज के लिए आई एम रियली सॉरी कि आज मैं जल्दी क्लास ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा काम मुझे है। बट आई होप यू मस्ट हैव स्टडीड नाइसली इन टूडेज लेक्चर। कल मैं ये पूरा खत्म कर दूंगी फॉर श्योर। आज का ये आपके क्वेश्चंस है बच्चों, ये लीजिए, ये होमवर्क ऑफ द डे है। होमवर्क लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट। आज के लिए आई एम रियली सॉरी बच्चों, आज थोड़ा सा मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। आई एम ऑक्यूपाइड विथ सम वर्क टुडे। कल आई मेक श्योर दैट आई फिनिश दिस चैप्टर ऑन टाइम। कल टाइम से भी आऊंगी, आज मैं थोड़ा लेट भी आई, काम ही इतना अटक गया था आज। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? कल क्या होमवर्क का शाउट आउट नहीं मिला? यार बिल्कुल मिलेगा, यार बिल्कुल मिलेगा। बच्चों में पढ़ने की चाह हमेशा होनी चाहिए, और टीचर का काम है उस चाह को बनाए रखना। एक सेकंड बच्चों, ओके। तो कल के होमवर्क का शाउट आउट जाता है विश्वा सिंह को, अंजलि को, दिव्या चौबे को, फिर है हरम फातिमा, गुरु सिंह को, निधि अरोड़ा, विक्टर को, वंशिका रजोरा, तन्वी हस्के, पिया पटीदार, शिवानी कुमारी। इन सारे बच्चों को जाता है, पूजा कश्यप, ये सारे बच्चों को जाता है कल का शाउट आउट। ठीक है कि इन्होंने बहुत अच्छे से होमवर्क किया है।
ठीक है। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस चैनल। और कल जो मैं 12 बजे सेशन लेने वाली हूँ, आई एम टेलिंग यू बच्चों, वो जरूर आपको देखना है। क्यों देखना है, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि जिंदगी में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। भावनाओं में बह के अंधा फॉलोअर होके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी आपका करियर बनाने नहीं आएगा, ये बात हमेशा याद रखना। द ओनली पर्सन हु कैन शेप योर करियर इज यू। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने बहुत जरूरी होते हैं, और अगर आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिए, यू विल एंड अप लूजिंग एवरीथिंग, क्योंकि इस सोसाइटी हमें जीने नहीं देती फिर, है ना। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि कल हम इकोसिस्टम कंप्लीट करेंगे 6 बजे, और कल मैं एक और यूट्यूब सेशन लूंगी आपके लिए। और मैं हर्ट हो गई ये बच्चों वाली बात से। अब तुम देखो, अब मेरा सारा फोकस नहीं टॉपर्स पे है, अभी मेरा एक और चैनल है, मेरा पर्सनल चैनल, उस पर मैं काफी काम कर रही थी। वहां पे तो खैर आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, बट ठीक है। आई थिंक कहते हैं ना कि उसने अगर कहा नहीं होता तो ये कैसे होता। आई थिंक उस बच्चे ने कहा, मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, बट आई थिंक उसके कारण बहुत सारे बच्चों का भला हो सकता है। तो इसलिए कई बार ना कुछ लोग बोल देते हैं, जैसे कि आप मान लो कि आपको बोलते हैं तेरे से तो नहीं हो पाएगी फिजिक्स, तो आप फिजिक्स में बहुत मेहनत करते हैं और फिजिक्स फिर आपकी जबरदस्त हो जाती है। तो इसलिए कई बार किसी का बोला हुआ भी जरूरी होता है लाइफ में, है ना बच्चों। चलिए मचाते हैं, किल करते हैं कल से। ऑल द बेस्ट, चलो बाय बाय, टेक केयर।